हाँ यही सीन है कि हम लोग को ज़मीन जो बहुत सालों से जो इनका सपना था कि इस ज़मीन पे एक हॉस्पिटल बनाना है, और वो ज़मीन जाती हुई दिख रही थी लेकिन अब वापस मिल रही है, तो उसकी खुशी का जश्न है। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई चीज़ खुशी मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर दूसरा की हाई नहीं लेनी चाहिए, तो ये संजोत कौर रोकती है। तो क्योंकि उसका बेटा कह देता है ना कि खुशवंत को हम चिढ़ाएंगे जलाएंगे, जो भी खुशी है आप अपने लिए मनाएं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये संजोत का मैसेज है उसमें था। नहीं अमृता का पूरा वो ना चाहते हुए कुछ नहीं, लेकिन अमृता का तो पूरा पूरा साथ दे रही है संजोत, और आगे भी आप देखेंगे तो मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन सपोर्ट कर रही हूँ। और जो भी चिढ़ाना यहाँ किसी का नहीं है, वो जो भी हो रही है वो सिचुएशन अनजाने में हो रहा है, जानबूझ के कुछ भी नहीं होगा। डीपी भी जानबूझ के कुछ नहीं करेगा, वो नाराज़गी में करेंगे, जो भी करते हैं नाराज़गी में करते हैं, लेकिन उनका कोई निगेटिविटी नहीं है उनके अंदर किसी भी को लेकर, नाराज़ हैं वो, और जो करते हैं वो नाराज़ में है। और जब इंसान किसी को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और वो उसने किसी वजह से दिल दुखाया होता है, जबकि चाहे उन जानबूझ के बेचारे ने नहीं दुखाया, लेकिन ये तो समझ रहे हैं ना, तो यही तो सारी कहानी का वो है मुद्दा है कि हम लोग ना चाहते हुए भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग में ही कितना कुछ दूसरे को दोषी मान लेते हैं। तो वो इनकी ईगो है सरदार जी की कुछ, तो जो इतनी भारी पड़ रही है संजोत कौर को, पूरे खानदान को, तो यही कहानी है हमारी। बहुत अच्छा, वो सच में माइंड ब्लोइंग, क्योंकि 28 साल बाद वो अपनी बहू को देख रही है, और उसके दिमाग में ये था फिरंगन है। एक तो पहला उसको खुशी मिलती है, एक तो बहू को देखना यही अपने आप में उसके लिए बहुत बड़ी खुशी थी, फिर उसको ये पता चलता है कि वो फिरंगन नहीं है, तो एक डबल खुशी का जो एक माहौल बनता है वो एक मतलब कैसे वो एक्सप्लेन करती, वो मैं भी इस चीज़ को सोच रही थी जब कर रही थी कि कर पाऊँगी कि नहीं, इतना खुशी कहाँ से लाऊँगी चेहरे पे, क्योंकि बिल्कुल इमेजिन करना था कि 28 साल बाद मैं देख रही हूँ और फिरंगन नहीं है, मतलब इंडियन है वो मेरी बहू, तो वो चैलेंज था मुझे। पर सब लोग कह रहे हैं कि मैं खरी उतरी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी भी बात करते मैं मुझे रोंटे खड़े होते हैं वो सीन जब याद करती हूँ, याद आप दिला रहे हैं, तो वाकई वो बेहतरीन सीन था। बहुत कम कलाकारों को ऐसा मौका मिलेगा, ऐसे सीन उनको मिले, तो मैं वैसे भी इस सीरियल में मैं सबसे ज़्यादा नसीब वाली हूँ कि सबसे अच्छे सीन्स मुझे ही आ रहे हैं, जिसमें चैलेंजिंग होता है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को एक्टर पंकज बैरी जी वो भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए और भी मज़ा आ रहा है। बाकी भी सारे को एक्टर बहुत सपोर्ट वाले और बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेरा पंकज जी के साथ ख़ास तौर से बहुत इमोशनल सीन्स होते हैं। अभी तो अमृता के साथ बहुत प्यारी सीन है, उसने भी मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, आपने देखा ही होगा, उस भी बहुत अच्छा कर रही है, और पंकज जी के साथ तो दूसरे टाइप का है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम जसजीत बब्बर, दिल दिया गलना 7:30 बजे आता सब सोनी सब, प्लीज़ आप देखें, बहुत इमोशनल, हैवी इमोशनल, मतलब एंटरटेनिंग इमोशनल, ऐसा नहीं है कि कुछ रो ही रहे तो रो ही रहे, नहीं नहीं, फालतू का रोना नहीं है, प्लीज़ आप अपने आप से ज़रूर मुझे जोड़ेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। खासकर अभी जो कुछ सीन्स आए थे, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ देखें, मेरा बहू से बात करना फंटास्टिक, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू सो मच।